हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज हम अपने ब्लॉग में कुर्ती कटिंग देखेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सूट कटिंग करने जा रहे हैं, जिसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। लंबाई है 43, हिप है उसके 42 इंच, चेस्ट है 38 39 और कमर है 36। तो अब इसमें मैंने ये कॉलर के जैसे 2.5 इंच का गला बनाना है, तो वो सेम कॉलर की तरह कटिंग होती है। तो इसके शोल्डर में ले लूंगी 7/8, आर्म होल भी ले लेंगे 7/8। अब हम चेस्ट कर देंगे तो 39 चेस्ट है, प्लस 1 इंच कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 का 4th हिस्सा 10, तो मैं 10 पे लगा दूंगी। अब यहाँ से और 7 इंच पे हम कमर का निशान लगा देंगे और यही से 14 इंच पे हिप का लगा देंगे। तो इसकी कमर है 36, तो उसमें प्लस 1 इंच कर देंगे 37, और 37 का 4th पार्ट हो जाएगा 7/9। अब मैं लूंगी इसके हिप। हिप के लिए इसका हिप है 42 और उसमें प्लस 1 इंच कर देंगे 43, और 43 का 4th पार्ट हो जाएगा 11/4। ये हमारे निशान कुछ इस प्रकार लगेंगे। अब इस निशान को हम हिप वाले निशान को कमर से मिला देंगे और यहाँ से चेस्ट के पास मिला देंगे। अब इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ये हम कटिंग करेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान, ये हमारा कटिंग का निशान है। ये कुछ इस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार होगा। और इसके लिए आर्म होल की कटिंग के लिए जो हमारा ये आर्म होल की लंबाई आई है उसका हाफ, यहाँ से इसका हाफ करके और हल्के 1.5 इंच की गोलाई देते हुए ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। और जब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें हम 1/2 इंच और गहराई से कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल की गोलाई तैयार हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग होती है, और फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए इसमें 1/2 इंच और अंदर से, अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों पार्ट्स को एक साथ कटिंग कर रही हूँ। अभी फिटिंग के निशान हमें दूसरी साइड भी रखने के लिए ऐसे अभी कैंची की सहायता से हम सेम ऐसे चौक से निशान लगा लेंगे। हाफ इंच ये आगे के पार्ट के लिए ये 1/2 इंच की गोलाई में दे दूंगी। इसमें से बैक पार्ट निकालने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे, और ये बीच सेंटर बनाने के लिए हम इसमें हल्का सा ये कट लगा देंगे, ये चाप के लिए भी, क्योंकि दोनों पार्ट हमें बराबर बराबर। अब हमने जो निशान इस तरफ लगाए थे उस निशान को भी हम मिला देंगे। तो ये हमारे सूट की कटिंग तैयार हो गई है, फिटिंग के भी निशान लग गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसकी आगे की कटिंग करने के लिए बीच से बैक पार्ट को ऐसे हटा लूंगी और इस चीज की कटिंग हम कर देंगे। ये कटिंग करने से हमारे बाजू में झोल नहीं आता है, सामने से जो कपड़ा इकट्ठा इकट्ठा रहता है तो इस टाइप से नहीं होता है। तो ये हमारे सूट की कटिंग तैयार हो गई है। गले पे मैं सलवार के कपड़े से इस टाइप से ये सिंगाड़ा बैठाऊंगी, ये कुछ ये बाजू पे लगा देंगे, ये हम नीचे पल्ले पे लगा देंगे। ये इस टाइप से लगाने से बहुत ही सुंदर सूट बन के तैयार होगा। सलवार के कपड़े से ये हम बाजू पे लगा देंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे, तो बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा सूट। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट में जरूर बताना।